ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਪਾਰਟੀ ਬੱਤੀ ਬਾਗਮਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमें अल्केन्स बनाने के हम दो तरीके पढ़ चुके हैं। पहला जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आखिरकार हम अल्केन्स क्या कैसे बनाते हैं, बनाते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, एंड अल्काइन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले देखा कि आखिरकार हम अनसैचुरेटेड से कैसे हम एल्केन बनाते हैं। फिर हमने देखा कि आखिरकार अल्काइल हैलाइड से किस तरीके से हम एल्केन बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें हैलोजन अटैच हो। अब जो तीसरा हमारे पास मेथड है वो है कि हमें कार्बो ऑक्सलिक एसिड से किस तरीके से हम एल्केन बनाते हैं। तो जितनी भी प्रिपरेशन चल रही सब एल्केन्स की ही चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें कई प्रोसेस हैं, उसमें से सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे पास आता है उसका नाम है डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है कि इसके नाम से ही मैं बहुत कुछ समझ में आने लगता है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आखिरकार हम क्या करते हैं, इसी के नाम में ही सब कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। देखो डी मतलब होता है रिमूव और कार्बो ऑक्सी मतलब होता है मतलब कार्बो मतलब कार्बन और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ये पूरा मिला के बनता है CO2। तो आखिरकार डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होने वाली है कि इसमें CO2 रिमूव होने वाला है। देखो इतना है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डेफिनेशन बहुत नाम ही इसका बहुत कुछ कह देता है। तो देखो इसमें रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि जो सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बो ऑक्सलिक एसिड मतलब वो कार्बो ऑक्सलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक ही ऑक्सलिक एसिड का ग्रुप लगा हो, इसका रिएक्शन किसके, इसको किसके साथ हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं हम लोग सोडा लाइम के साथ। तो आखिरकार कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार सोडा लाइम होता क्या है। वैसे 10th 11th में पढ़ा होगा, लेकिन आखिरकार जन्म बीत गए पढ़े इतना किसे याद रहता है। तो मैं बता दूं कि सोडा लाइम एक प्रकार का मिक्सचर है, किसका, NaOH एंड CaO, इनका रेशियो होता है 3:1 कि अगर तीन पार्ट इसके होने चाहिए एक पार्ट इसका होना चाहिए, इसको बोलते हैं 3:1। और जो टेम्परेचर होता है, जो हीट करते हैं वो, उसका टेम्परेचर होता है हीट का, वो होता है 630 केल्विन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेम्परेचर, कंडीशन, कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कैटलिस्ट, कंडीशन ये सब चेंज करेंगे कंपाउंड, हमारा प्रोडक्ट और कुछ चेंज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं कि जो हमारे पास होता है RCOONa। तो बेसिकली क्या हो गया, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सलिक एसिड, लिख लो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सलिक एसिड। इसका रिएक्शन तुम्हें किसके साथ करना है, NaOH और ACO सब इसी में प्रेजेंट है, इसको हीट करना है। तो कुछ देखो इस प्रकार की तुम्हें रिएक्शन देखने को मिलेगी, ये रही रिएक्शन, इस मतलब इतना तुम रिमूव करा दो और इस हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर दो। वैसे मैं इसका एक माइंड मैप तुम्हें बना के दूंगा, लेकिन हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसको भी याद करते जाना, क्योंकि माइंड मैप तभी समझ में आता है जब वो हम टॉपिक कवर किए होते हैं। ये रहा इसका जनरल प्रोडक्ट। तो इसमें पता क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ये इस रिएक्शन में रिमूव हो जाता है, मतलब बेसिकली गैस होता है तो रिमूव हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। तो लिख लो हेडिंग स्टार बना के, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डी कार्बो ऑक्सीलेशन। मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से CO2, देखो CO2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
CO2 रिमूव कर देते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो देखो अब इसमें तुम्हें एक चीज़ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक चीज़ और ऑब्जर्व करने को देखने को मिल रही होगी कि जो हमारे पास एल्केन आ रहा है, एल्केन है, उसमें तुम ऑब्जर्व करोगे अगर इसमें तीन कार्बन होंगे तो इसमें दो कार्बन होंगे, मतलब यहाँ कार्बन डिक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे समझ में नहीं आया, बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लो रिएक्ट हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2COONA, इसका नाम हो जाता है सोडियम, सोडियम लगा हुआ है, प्रो पे नोएट, इसकी रिएक्शन करो NaOH बेसिकली बेस है, CaO और इसके साथ हीट करना है तुम्हें। तो जब हमें देखने को मिलता है इसका, हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है CH3 CH3 Na2 CO3। तो हमने क्या देखा है, देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, मतलब इस कंपाउंड में तीन कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं, तीन कार्बन हैं। और इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें दो कार्बन हैं, मतलब रिएक्टेंट में तीन कार्बन है, यहाँ दो कार्बन और एक कार्बन क्या हो गया है, कम हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब जो हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, मतलब इसी के अंडर है, ये है कोलबेस रिएक्शन। तो बेसिकली ये कोलबेस आया हुआ किसी ना किसी के नाम पे आया होगा, अपन को उतना नहीं ध्यान देना है, इतना लोग कोलबेस रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेसिकली ये जो रिएक्शन है एक प्रकार की इलेक्ट्रोलिसिस है। देखो इलेक्ट्रो मतलब होता है कुछ कहानी हो रही इलेक्ट्रिसिटी से, लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तुम क्या कर रहे हो, कंपाउंड को, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हो। देखो आखिरकार इसमें थोड़ी सी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की। अगर रिडॉक्स रिएक्शन की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर 11th क्लास में हो तो मैं कहूँगा कि एक बार रिडॉक्स देख लेना, अगर तुम 12th क्लास में देख रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। तो देखो जैसे मान लो इसमें पता क्या होता है कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सलिक एसिड, इसमें होता है कि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम का कार्बो ऑक्सलिक एसिड का एक सॉल्ट होता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं CH3COOK, ये एक्वियस होता है, इसका क्या कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक की तरह भाई, मतलब इसमें पोलरिटी आ जाती है, कैटाइन्स आयन से ब्रेक होता है तो हो जाता है CH3COO- + K+। बैलेंस करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जो एल्केन होता है हमारे पास, जो एल्केन हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है, एनोड पे। ऐसे शॉर्टकट में बता दे रहे लेकिन आगे पूरा चल के बताएंगे। इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि ए फॉर एल्केन, ए फॉर एनोड। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो कि हमारे पास ये इसके अंदर किसका सॉल्ट है, कार्बो ऑक्सलिक एसिड का, हमने क्या किया इसके अंदर डाले हमने इलेक्ट्रोड। मान लो ये एनोड है, ये रहा है कैथोड, इसके अंदर क्या है सॉल्ट है। तो मान लो कि ये जो ब्लू से बना रहे हैं वो हमारे पास हैं CH3COO- मतलब एनाइंस, और जो हमारे पास है मान लो हम इस ब्लैक से बनाते हैं ये हमारे पास हैं कैटाइंस हैं K+। इतनी बात समझ में आई है? अब इसमें एक शॉर्ट फॉर्म लिखो A2A C2C। इसका कहने का मतलब ये है कि एनाइन गोस टू एनोड, मतलब जो एनाइंस होंगे वो एनोड के पास जाएंगे C2,
कैटाइंस गोज टू कैथोड, मतलब जो पॉजिटिव वाले होंगे वो यहाँ जाएंगे। इतना बेसिक बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो आखिरकार ये रहा एनाइन और ये रहा कैटाइन। क्या रहा? एनाइन कैटाइन। हम लिखते हैं एट एनोड, तो CH3COO- और क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन। तो इससे कंपाउंड बनता है CH3COO। ये होता है अनस्टेबल, और अनस्टेबल कोई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है। तो ये क्या करता है, ये सी ए वाला CH3COO ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 प्लस और CO2 में। इस तरीके से रिएक्शन होती है पूरी। मेन हमारा काम होता है जो हमें प्रोडक्ट लेना है, जो मेन प्रोडक्ट हो उस पर बात करते हैं। इसकी भी वही कहानी होती है, ये जाता है किसके पास, कैथोड के पास। इसमें थोड़ा एक सिस्टम है कि दोनों लोग दौड़ लगाते हैं, H प्लस लगाता है, K प्लस लगाता है। अपन को उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब मैंने रिडॉक्स पढ़ाया वहाँ डिटेल में पढ़ाया है, और अगर तुम 12th क्लास में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने डिटेल में पढ़ाया कि कौन सा H प्लस जाएगा कि K प्लस जाएगा। तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि एनोड पे आ जाता है क्या, एल्केन, और कैथोड से निकलती है हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं और एक लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखो, इसका जनरल फॉर्मूला है कि R एल्काइल ग्रुप COO के प्लस H2O, इसका क्या करा दो, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमारे पास बन गया है एल्केन, CO2 गैस है, H2 प्लस 2KOH, ये सब बैलेंस करने के बाद ये सही है, ये सही है। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि इसको तुम क्या करो, एक जनरल रिएक्शन स्टार बना के कहीं लिख लो। एग्जांपल देखते हैं, CH3COO के प्लस H2O, इसका हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस कराया है। हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, ये जो है ना, ये CH3 CO2 H2O KOH, मतलब ये वाला हमें मिलेगा एनोड पे और ये मिलेगा हमें कैथोड पे, मतलब एनोड पे एल्केन। कोई भी रिएक्शन हो अगर उसका मैकेनिज्म ना बताओ तो बिल्कुल रटने जैसी लगती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिरकार जो कोल्बे रिएक्शन है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैं बता दूं कि कोल्बे रिएक्शन है उसकी वैसे कई मैकेनिज्म हैं, लेकिन सबसे सुइटेबल जो हमारे पास मैकेनिज्म है, जो सबसे अच्छे से डिफाइंड करती है, वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा फ्री रेडिकल क्या है, फलाना ढिकाना ढिमकाना। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर तुम 11th क्लास में हो और 11th क्लास से शुरू से वीडियो देख रहे हो, मतलब जो और केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, चाहे पहली बुक हो चाहे सेकंड बुक हो, तो यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो पहली बार देख रहे हो उन्हें बहुत दिक्कत आ रही होगी। ऐसी सेम टू सेम है 12th क्लास के लिए, अगर तुम पहली बार देख रहे हो दिक्कत आएगी। कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार फ्री रेडिकल्स का मतलब होता क्या है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तब समझ पाओगे जब आखिरकार तुम्हें फ्री रेडिकल का मतलब पता होगा। तो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आखिरकार सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरकार फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। तो सस्ती सी सिंपल सी एक ही डेफिनेशन है कि फ्री रेडिकल्स वो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में, आउटर मोस्ट सेल में, या फिर आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है। तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली इसकी बात बताएं कि ये मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड लेस स्टेबल होते हैं। इस बात का याद रखना कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते हैं,
मोर रिएक्टिव होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। जैसे आखिरकार सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ये CH3 का रेडिकल्स है, तो देखो CHHH, देखो ए रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये डॉट मतलब क्या इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली अनपेयर्ड है कि नहीं है, एक अनपेयर्ड है कि नहीं, इसलिए क्या कहलाता है, रेडिकल्स कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं और एग्जांपल देखते हैं, तो देखो हमारे पास एग्जांपल है CH3C(OCO) 1, 2, 3, 4, 5। देखो ये तो मान लो कि दोनों पेयर्ड में हैं, ये दोनों पेयर्ड हैं, ये क्या है, अनपेयर्ड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के पास है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी किस में काउंट किया जा सकता है, फ्री रेडिकल्स के अंदर। वैसे फ्री रेडिकल के अंदर बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं CH3COONA। देखो बेसिकली एक प्रकार का सॉल्ट है, तो इसके पास पॉजिटिव आएगा, इसके पास नेगेटिव आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमने देखा कि इसका बना CH3C(OCO-), और ये बन गया है Na+। बैलेंसिंग कर लेते हैं, हम देखते हैं दो यहाँ दो इस साइड, अब देखो इस पूरे पे दो है याद रखना, और दो यहाँ, समझे कि नहीं समझे। तो देखो मेन कहानी यहाँ से है कि जो इस मान लो कि इस तरीके से बॉन्डिंग होगी Na+ नेगेटिव, यहाँ से मान के चलते हैं इस कार्बन से है, तो ये जो तुम्हारे पास ये बना हुआ है, तो इसमें पता है क्या किया है कि जो सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, तो जब इसको इसने दिया तो जो कार्बन था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, जिसकी वजह से CO- आ रहा है नेगेटिव। अगर इस पे लिखा है -2, तो इसका मतलब है कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर O लिखा है तो इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर O- लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इस छोटी सी बात है याद रखना। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको उठा लेते हैं, ये बेसिकली होता है एसीटेट आयन। तो क्या किया हमने, इसको लिया CH3C(OO-), ये इस तरीके से रहा। तो इससे मतलब जो तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, इससे दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं। तो जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास O- है और इसमें से हम क्या कर दें, मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने रिमूव किया तो O बनेगा, अगर इसमें से हम दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो O+ आ जाएगा। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करें हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल से एक एक इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब CH3C(OO-), इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन गया है। तो आगे हमें देखने को मिलती है कंडीशन बनती है CH3C(OO), ये रहे इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और एक छठवां वाला कहाँ एंगेज है, बॉन्डिंग में। और अगर मैं पूछूं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5 नेगेटिव ए बॉन्ड के साथ। अब कहानी इसके आगे की सुनो, अब ये CH3 है,
ए रहा, ए रहा। अब यहाँ मेन कहानी होने वाली है, यहाँ है अपने पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कहानी, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो यहाँ हो जाता है फिजन। एक यहाँ जाता है और एक चला जाता है इधर, क्या समझे, और ये भी यहाँ पार्टिसिपेट कर लेता है। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये हमारे पास आ जाता है, देखो CH3 8 डॉट। तो हमें देखने को मिला CH3 डॉट, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रेडिकल का फॉर्मेशन। क्या हो गया, रेडिकल का फॉर्मेशन। वैसे यहाँ हम 2 लेके चल रहे, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, क्योंकि रेडिकल 2 से ले ला के चल रहे ताकि 2 रेडिकल्स आए और रिएक्शन कर सकें। अब देखो प्लस, देखो इतना सा पार्ट ए रहा है और इतना सा पार्ट जो होगा वो बनाएगा CO2, कार्बन डी ऑक्साइड। तो ये रहा CO2, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास ये फ्री रेडिकल्स आ गए हैं। ये इस 2H3 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। अब क्या होगा कि दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन करके ये बनाएंगे CH3 CH3, इसका नाम हो जाएगा ईथेन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा आखिरकार CO2 बना कैसे, और लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा आखिरकार CO2 बना तो बना कैसे, आखिरकार ये बना कैसे। देखो सिंपल समझाते हैं, देखो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस बॉन्ड का हुआ क्लीवेज, जब इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि अब देखो सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया है, तो बेसिकली ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड का। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OO, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन डी ऑक्साइड। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार CO2 का फॉर्मेशन कैसे बना। देखो एक बॉन्ड तो इसके पास पहले से था, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर यहाँ तक वीडियो ढंग से देख रहे हो, समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ एक चीज़ तुमने ऑब्जर्व करी होगी कि जैसे हमने देखो जनरल इक्वेशन लिखी थी, देखो ये जनरल इक्वेशन ली थी, तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ भी मीथेन नहीं बना सकते हो, मतलब कोल्बे रिएक्शन से भी तुम इथेन नहीं बना सकते हो। जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो ना, उसकी हेल्प से भी तुम इथेन नहीं बना सकते, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि सिर्फ इससे वही कंपाउंड बनेंगे जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, मतलब जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगा ना, उस प्रोडक्ट में इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड तुम इस रिएक्शन से नहीं बना सकते हो। तो हमने क्या देखा है कि चाहे वुड्स रिएक्शन हो और चाहे कोल्बी रिएक्शन हो, इन दोनों रिएक्शन से तुम ऑड नंबर कार्बन जिसमें होते हैं वैसे कंपाउंड नहीं बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो चलो हम तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, मतलब तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्सलिक एसिड। तो सबसे पहले आखिरकार हम बात करते हैं कि आखिरकार ये रिडक्शन क्या होता है। हमारा मेन यही रहता है कि जो हमारे पास लिख के आया उसी में सब कुछ मतलब खोजो। तो हम क्या जानते हैं कि रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो
अगर तुम्हारे पास रिडक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ मतलब एडिशन होगा हाइड्रोजन का, या फिर कार्बो ऑक्सलिक एसिड में से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, तो वही देखते हैं। तो देखो, इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि जो तुम्हारे पास कार्बो ऑक्सलिक एसिड होता है उसको हम रिड्यूस्ड करते हैं किस में, एल्केन्स में। किसकी हेल्प से? हाइड्रो आयोडिक एसिड की हेल्प से, एच आई की हेल्प से। मतलब अगर तुम किसी को व्हाट्सएप पे एच आई भेजो तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ये तो के बी भैया ने पढ़ाया था रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्सलिक एसिड में, तो एच आई। तो देखो, मान लो जनरल फॉर्म लिखते हैं कार्बो ऑक्सलिक एसिड सी ओ ओ एच प्लस एच आई, इसका कराने वाले हम क्या रिडक्शन, क्या कराने वाले हैं रिडक्शन। तो हम रिडक्शन में देखते तो हमारे पास कंपाउंड मिलता है एल्केन्स, मतलब आर सी एच थ्री प्लस टू एच टू ओ प्लस थ्री आई टू, ये सब बैलेंसिंग है, मतलब यहाँ हम छः लिख देते हैं। तो मेन तो मैं इतना याद रखना है कि कार्बो ऑक्सलिक एसिड प्लस एच आई, इसका जो रिडक्शन होता है तो कंपाउंड मिलता है आर सी एच थ्री प्लस एच टू ओ प्लस आई टू, ये तो सब बैलेंसिंग के बाद आता है, तो इतना परेशान नहीं होना है। समझे कि नहीं समझे? अब किसी के बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कि आखिरकार भैया वहाँ आपने टू क्यों लिया था, तो मैं बता दूंगा, घबराओ नहीं, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। देखो, ये रिएक्शन रही है, जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड है सी एच थ्री सी ओ ओ एच, एक कार्बो ऑक्सलिक एसिड है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। कोई कमेंट्स में लिखते मुझे बताना है कि एसिडिक एसिड नेचर में कहाँ पाया जाता है, प्लस एच आई, इसका क्या कराने वाले हैं हम रिडक्शन, मतलब इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव कर दो, क्या कर दो, ऑक्सीजन रिमूव कर दो और हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर दो। तो जो तुम्हें देखने को मिलता है इसका कंपाउंड बनता है सी एस थ्री सी एस थ्री प्लस एच टू ओ प्लस आई टू, बाकी सब बैलेंस कर लेना। तो अगर तुम इसको ऑब्जर्व करते हो तो मैं एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो तुम्हारे पास एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप कहलाता है, एक कार्बोक्सिलिक का ग्रुप सी ओ ओ एच, ये किस में रिड्यूस्ड हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है सी एच थ्री में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, यहाँ से दो ऑक्सीजन गायब भी हो गए हैं और इसमें एक हाइड्रोजन था, और यहाँ देखो तीन हाइड्रोजन आ गए हैं, मतलब हाइड्रोजन भी ऐड हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, जनरल से फॉर्म लिख लेते हैं कि कार्बो ऑक्सलिक एसिड की हेल्प से तुम कैसे एल्केन्स में कन्वर्ट करते हो। तो पहला रहा आर सी ओ ओ एन ए, ये तो पहला है, ये है कौन सा रिएक्शन है, ये है डी कार्बो ऑक्सीलेशन, किसकी प्रेजेंस में होता है एन ओ एच और सी ए ओ, इससे बनता है आर एच। फिर जो दूसरा तुम्हारे पास आता है वो होता है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, ये कहाँ होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिसिस, ये बनता है आर आर। अब यहाँ से तीसरा आता है जिसका मतलब है रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्सलिक एसिड सी ओ ओ एच, और इससे हमें ये रिडक्शन है किसकी प्रेजेंस में कराया जाता है, कराया जाता है एच आई की प्रेजेंस में, इससे बनता है आर सी एच थ्री। इतना सब पढ़ने के बाद भी बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक कन्फ्यूज़न रह गई होगी कि आखिरकार भैया आपने फ्री रेडिकल के अंदर दो मॉलिक्यूल्स क्यों लिए थे, बताते हैं। अब हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमने यहाँ से ही दो मॉलिक्यूल्स क्यों लिए थे। इंपॉर्टेंट बात यही कि आखिरकार दो मॉलिक्यूल्स क्यों लिए थे, क्योंकि देखो अगर ये टू टू रिमूव कर दो तब भी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, फिर भी आपने टू क्यों लिया था। देखो, टू इसलिए लिया था ताकि हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल आ रहे हैं ये टू के आ सकें। वैसे मेन ऐसा होता है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओ और कंपाउंड क्या बनेगा। सिंपल सी बात है कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ कंपाउंड क्या बनेगा। तो इसका जो कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, कंपाउंड मिलता है, इसका बस डबल कर दो,
सी एच थ्री सी एच थ्री, और इस पे अपन को दूसरे से मतलब नहीं, ये एनोड पे आ जाता है। अगर तुमसे कोई बोले, क्या बोले, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एन ए, इसका क्या करो, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ और इसका प्रोडक्ट बनाओ। तो प्रोडक्ट होगा ये रहा, इसका डबल कर दो, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद। बाप मेरा जमींदार करे उन्हें दिन और रात एक करा, 4 लाख भर्ती के मांगे किला भी था गहना धरा, बाप मेरा जमींदार करे उन्हें दिन और रात।